ये खाने की चीज़ है, देखने की चीज़ है, खेलने की चीज़ है, खिलाने की चीज़ है दुनिया, ये हंसने की चीज़ है, हंसाने की चीज़ है। आप हंसते भी नहीं है, हंसाते भी नहीं, आप इसमें इस कदर गहराई तक घुसे चले जाते हैं कि आपके पंख चिपक जाते हैं और चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते चीत्कार करते कहते अच्छा विदाउट। मैं कहता हूँ आपसे, आप यहाँ जिंदगी जिए, अनाशक्त व्यक्ति की तरीके से जिए, हंसती हुई जिंदगी जिए, हंसती हुई जिंदगी जिए, बड़ा मजा आ जाए आपके जीवन में। और आप, मैं कहता हूँ आपसे, ईश्वर को साझेदार बना करके अगर आप यहाँ से जा सकें तो मजा आ जाए, ईश्वर की साझेदारी। आप ईश्वर को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो हमारा काम कर दिए नहीं बेटे, ऐसे मत कहते, ईश्वर को अपने जीवन में हिस्सेदार बनाइए। हिस्सेदार अगर आप जीवन को बनाएं तो आपकी ज़िंदगी में ईश्वर अपना पार्ट प्ले करेगा, पार्ट प्ले करेगा, और ईश्वर को सहकारिता से आपके जीवन में जो फायदा होना चाहिए वही फायदा होगा जो बैंक का सहयोग पा करके कारखाने वाले को फायदा होता है। बैंक से हम पैसा लेते हैं, कारखाना चला, अपना कारोबार चलाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं बैंक का पैसा डूबने न पाए। बैंक का पैसा हमको चुकाना है, न केवल चुकाना है बल्कि ब्याज समय चुकाना है। आप भगवान की कृपा को मानिए, बैंक उससे काम निकाल लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए भगवान की कृपा फोकट में नहीं मिली, आप पूंजी को वापस करने की कोशिश कीजिए और ब्याज समय वापस करने की कोशिश कीजिए, बैंक आपका क्रेडिट बढ़ाता हुआ चला जाएगा और आपके लिए पैसा देने की सुविधा बढ़ती चली जाएगी। आप चुकाइए सही, जिन साहब चुकाएंगे तो नहीं जो मिलेगा वही कर रही है हजम, ये बेटे ऐसे मत करें हजम, हमने हजम नहीं किया, अपने गुरु की कृपा पाई है लेकिन उसको ब्याज समय लौटाने का ध्यान रखा, भगवान की हमने कृपा पाई है लेकिन ब्याज समय लौटाने का ध्यान रखा। आपको भगवान ने जो दिया था, जो शरीर दिया था, बुद्धि दी थी, अकल दी थी, क्या आपने उसका ब्याज चुकाया, क्या आपने उसका हिस्सा दिया? नहीं दिया तो अभी और दे दीजिए, अभी और दे दीजिए, पहले जो आपको दिया गया था उसका ब्याज चुकाइए, उसका मूलधन लगे, लोक हित के लिए, इस दुनिया को सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए आपको पार्ट प्ले करना चाहिए। आपके ऊपर केवल शरीर की रखवाली की और बाल बच्चों के को अमीर बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है, संस्कृति की भी जिम्मेदारी है, देश की भी जिम्मेदारी है और धर्म की भी जिम्मेदारी है, इनको भी आप निभाइए, और बैंक की भी जिम्मेदारी है। निशा बैंक को हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बैंक से जो हम रुपया ले आते हैं वो तो खाती खत्म कर देते हैं, चुकाना तो पड़ेगा, नहीं चुकाना नहीं पड़ेगा, नहीं चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। इनके अच्छी चुकाने की बात मैं कहता हूँ, देश की बात कहता हूँ, धर्म की बात कहता हूँ, समाज की बात कहता हूँ, संस्कृति की बात कहता हूँ, ये भगवान की बैंक के लिए चुकाना चाहिए, नहीं हम नहीं चुकाएंगे, हम तो खाएंगे, बेटे खाएगा तो फिर दिवालिया हो जाएगा, बैंक वाला तेरे नीलाम कर देगा, नीलाम कर देगा, नहीं साहब मैं चुकाऊंगा तो नहीं, मांगूंगा तो सही, नहीं बेटे चुका, हमने अपने गुरु का लिया है, अभी गुरु का चुकाया, गुरु हमारे ऊपर निछावर है, हम गुरु के ऊपर निछावर, छावर है हमारे दोनों के बीच में आदान प्रदान की धाराएं चलती रहती हैं, हमारे दोनों के बीच में लेन देन का रास्ता चलता रहता है। ये सब लेने का ही मैं तो सीखा है, देने का तो मैंने सीखा नहीं, बेटे गिव एंड टेक, ले और दे, नहीं सब लेन देन नहीं, नहीं जानता मैं, तो बस लेना जानता हूँ और देना, देने के नाम पर तो एक चीज़ है मेरे पास, क्या चीज़ है, धूपबत्ती तेरे का, और कुछ है मेरे पास नहीं महाराज जी, एक और चीज़ है, क्या चीज़ है, चंदन का रोल होता है, अक्षत और तो नहीं कुछ, नहीं महाराज जी अक्षत एक, धूपबत्ती दो, चंदन तीन, और हो गया और बता हमारा जी, और हाँ एक और भैया क्या चीज़, फूल भगवान से ही लिया है क्या, अक्षत ही लिया है क्या, गोरा भर के राज, नहीं महाराज जी गोरा भर के तो मैं नहीं दे सकता, अक्षत ही अक्षत देता, चालाक कहीं जाते बदमाश मित्रों, हमारी सारी की सारी उपासना है चालाकियों से भरी, बदमाशियों से भरी, चालाकियों से भरी हुई, बदमाशियों से भरी हुई, न इसमें कोई सिद्धांत है, न कोई आदर्श है, न कोई दिशा है, धूर्तता है, आज से तक धूर्तता, आज से तक धूर्तता, न इसमें कहीं शराफत की बात है, न कहीं ईमानदारी की बात है, न कहीं देने की बात है, न परोपकार की बात है, न लोकहित की बात है, न आदर्शों की बात है, सिद्धांतों की बात है, जो कि आध्यात्मिकता का मूलभूत उद्देश्य है, वही चालाकी वही बदमाशी, वही चालाकी वही बदमाशी, भगवान का चालाकी का वही जान, अमुक में वही चालाकी है, जान जाली बुनता रहता है, बहेलिया के जाली बुनता रहता है, इसका भी ले लूँ, उसका भी ले लूँ, उसका आशीर्वाद ले आऊँ, उसका वरदान ले आऊँ, उससे अपने बेटे को अमीर बना लूँ, धूर्त से तो क्या करना पड़ेगा, आप अपने स्वरूप को बदल दें, बदल के हो जाए तो मैं ये कहता हूँ आपको, अपने लंबे जीवन की साक्षी देकर और अपने अनुभव की साक्षी देकर के, आध्यात्मिकता का सागर सिद्धांत सही